हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 13th of September 2022। 13 सितंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रिलिम्स के लिए आपकी तैयारी थोड़ा अच्छे से करवाएंगे। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है इनमें से कौन से फीचर्स हैं जो कि फेडरल फीचर्स नहीं हैं। दे आर नॉट द फेडरल फीचर्स। फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड इज नॉट इजीली अमेंडेबल। सेकंड, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन राज्यसभा। थर्ड इज स्टेट गवर्नमेंट डराइव अथॉरिटी फ्रॉम द सेंटर। आपको बताना है कौन सा फेडरल फीचर इसमें से नहीं है। ऑप्शंस आर 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1, 2, 3। आसान सवाल है, अटेम्प्ट आप लोग करेंगे, आंसर आप लोग देंगे। दूसरा सवाल है, द कमिटी विच एग्जामाइन द सेंटर स्टेट रिलेशंस आर, इनमें से कौन सी कमिटी है जिन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशंस को एग्जामाइन किया। फर्स्ट इज सरकारिया कमीशन, सेकंड इज एलएम सिंघवी कमीशन, थर्ड इज राजा मन्नार कमीशन या फोर्थ एमएम पुंछी कमीशन। तो ऑप्शन आपके सामने है 1, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। एंड थर्ड इज मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर, मैक्सिमम इंसुलेशन इनमें से कौन से रीजन में मिलता है। फर्स्ट इक्वेटर, सेकंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, थर्ड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स या डी मिड लैटिट्यूड ओशियंस। आज के तीनों सवाल अच्छे हैं, स्टैटिक के क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप आंसर कर पाए तो समझना कि आप ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे देखते हैं, एक सीसैट का क्वेश्चन है, इसका इसमें आपको ऑड वन निकालना है। यू हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट, 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। ये एक सीरीज बनी है, इसमें आपको ऑड वन नंबर निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। ऑप्शंस आर 27, 100, 125 या 343। सो दिस इज द क्वेश्चन टू यू, आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर जरूर करिएगा, ठीक है ना। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली न्यूज़ है जो है वो, इंटरनेशनल टीम रिसर्चर्स ने डिवाइस किया, एक साइबॉर्ग कॉकरोच बनाया है। साइबॉर्ग क्या होता है पता है आपको? साइबॉर्ग मतलब कि जैसे एक ऐसी मैकेनिकल इनपुट आप अपने बॉडी में ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल सपोज किसी व्यक्ति का हाथ नहीं काम कर रहा है, कई मूवीज़ में आपने देखा होगा कि वो फिर एक नकली हाथ, मैकेनिकल हाथ लगा लेता है जिसके बाद उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है नॉट। तो ये अपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए एक मैकेनिकल एलिमेंट बिल्ड करके यूज़ करना। तो कई लोग आँखों में लगवा लेते हैं साइबॉर्ग, आपने वो देखा है टर्मिनेटर देखा होगा आपने, टर्मिनेटर जैसे जो, ये सब साइबॉर्ग्स ही हैं क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी वाले हैं, है ना। जैसे आयरन मैन क्या करता है, एक तरीके से नकली आयरन का वो पूरा अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर लेता है ना। तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ साइबॉर्ग ओनली, ठीक है ना। तो साइबॉर्ग कॉकरोचेस बेसिकली क्यों बनाए गए हैं? दे आर देयर, दे हैव बीन बिल्ट विद इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड ऑल, एंड द पर्पज इज़ टू कंडक्ट सर्वेलेंस इन प्रोसीजर्स लाइक अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन एरियाज, इंस्पेक्टिंग ऑफ एरियाज विच आर डेंजरस टू ह्यूमंस। तो इन सब कामों के लिए साइबॉर्ग कॉकरोचेस बनाए जा रहे हैं। तो अब देखो ये मैंने क्यों बताया आपको, ये इसलिए बताया सिंपल और सिंपल कि जब मेन्स आंसर राइटिंग कभी आप करो तो इस तरीके के कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो कि रिसेंटली क्या चल रहा है ना। और जैसे सर्वेलेंस हो गया, या फिर आपका समझ लो ये इंस्पेक्शन हो गया, या फिर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग हो गई, ये सब करने के लिए भी आप साइबॉर्ग्स का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो वही वाली बात है। सेकेंड न्यूज़ है वो है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने आइडेंटिफाई किया है टूरिज्म इंडस्ट्री को एज अ पोटेंशियल सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जो है, उसने कहा है कि टूरिज्म सेक्टर जो है इट कैन बी अ सनराइज इंडस्ट्री। अब सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, भैया सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है? सनराइज इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हो एंड विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द फ्यूचर। सनराइज इंडस्ट्री का मतलब यह है कि एक तो इंडस्ट्री बहुत फास्टली ग्रो कर रही हो ऑलरेडी, सेकेंड फ्यूचर में जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इट विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, एक सनराइज इंडस्ट्री के रूप में आप ग्रीन हाइड्रोजन को मान सकते हो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर में ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसके अलावा जैसे स्पेस टूरिज्म हो गया, स्पेस टूरिज्म जो है वो भी काफी ज्यादा
आगे आने वाला है। तो इस तरीके से टूरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, जैसे कि टूरिज्म में एम्प्लॉयमेंट तो लोगों को मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ जैसे बिजनेसेस बहुत सारे डेवलप होते हैं, एकोमोडेशन एक अपने आप में होता है, इंटरटेनमेंट उसके अलावा होता है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग टूर्स एंड गाइड्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जो कि डिपेंडेंट है उसमें, ठीक है ना। अब टूरिज्म के टाइप्स होते हैं, जैसे डोमेस्टिक टूरिज्म अगर मैं बोलूँ तो इट रिफर्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ विजिटर विद इन देयर कंट्री ऑफ रेसिडेंस, ठीक है ना, अपने घर से बाहर लेकिन विद इन देयर कंट्री ऑफ रेसिडेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंडियन है तो सपोज करो आप कैलकटा के हैं या फिर आप सपोज करो मुंबई के हैं, तो आप मुंबई छोड़ करके कैलकटा घूमने और कैलकटा वाला कोलकाता छोड़ के आपका मुंबई घूमने है, तो एक तरह से दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म। फिर दूसरा इनबाउंड टूरिज्म होता है। इनबाउंड टूरिज्म का मतलब इट रिफर्स टू द एक्टिविटीज ऑफ अ विजिटर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ कंट्री ऑफ रेसिडेंस, मतलब कि कोई स्पेनिश व्यक्ति अगर ब्रिटेन विजिट करने आएगा तो उसको इनबाउंड टूरिज्म बोलेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। आउटबाउंड टूरिज्म भी होता है, इट रिफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ अ रेसिडेंट विजिटर आउटसाइड ऑफ देयर कंट्री ऑफ रेसिडेंस, मतलब कि एक इंडियन विजिट कर रहा है एन ओवरसीज कंट्री, ठीक है ना, एन इंडियन विजिटिंग एन ओवरसीज कंट्री, देन दैट इज अ सॉर्ट ऑफ आउटबाउंड टूरिज्म, ठीक है ना। इनबाउंड टूरिज्म मतलब रिफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ अ विजिटर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ कंट्री ऑफ रेसिडेंस। अब आप लोगों को हो सकता है डिफरेंस थोड़ा सा ना समझ में आ रहा हो इनबाउंड और आउटबाउंड में, तो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करो आपका नाम श्याम है और आप इंडियन रेसिडेंट हो, है ना, आप इंडियन रेसिडेंट हो, ठीक है ना, और एक आपका दोस्त है जॉन करके एक आपका दोस्त है जो कि एक यूके का रेसिडेंट है, सपोज करो यूके का रेसिडेंट है, ठीक है ना, आप श्याम हो और आपका दोस्त एक जॉन है जो कि यूके का है। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आउटबाउंड टूरिज्म होगा, आउटबाउंड टूरिज्म उसका मतलब है कि जब श्याम यूके जाएगा, इफ़ श्याम इज़ विजिटिंग यूके अनदर कंट्री विच इज़ नॉट इट्स कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो वो श्याम जा रहा है कहाँ पे, यूके जा रहा है, तो ये आउटबाउंड हो गया। इनबाउंड इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, जॉन अगर इंडिया आ रहा हो तो, है ना, जॉन अगर इंडिया का, तो फिर ये इनबाउंड टूरिज्म कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ लो इसको, डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक टर्म है सस्टेनेबल टूरिज्म, तो सस्टेनेबल टूरिज्म एक टर्म जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि टूरिज्म दैट टेक्स फुल अकाउंट ऑफ इट्स करंट एंड फ्यूचर इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, एक ऐसा टूरिज्म जो कि फुल्ली उन सारी चीज़ों को तवज्जो दे जो कि इकोनॉमिक सोशल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स एसोसिएटेड है, वो आपका सस्टेनेबल टूरिज्म कहलाता है। अब गुजरात ने एक टूरिज्म का मॉडल बनाया जिसको माइस कहते हैं, माइस ऑफ टूरिज्म, MICE, तो ये गुजरात का टूरिज्म मॉडल, उसमें माइस याद रखेगा, माइस का मतलब मीटिंग्स इंसेंटिव्स conferences and exhibitions, माइस का मतलब क्या है, meetings, incentives, conferences and exhibitions, and it is essentially a version of business tourism that draws domestic and international tourists to a destination. तो ये business tourism के चार key points हैं, meetings, incentives, conferences and exhibitions, जिनके basis पे गुजरात जो है वो काफ़ी ज़्यादा develop कर रहा है। आपने देखा होगा गिफ्ट सिटी या फिर गांधीनगर, वाइब्रेंट गुजरात हुआ था, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा माइस टूरिज्म के basis पे ही इसको develop किया जा रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ है, वाइस प्रेसिडेंट ने रिलीज़ की है अरबिक वर्जन ऑफ मजमा उल बहरेन। मजमा उल बहरेन जो है वो मुग़ल प्रिंस दारा शिको से रिलेटेड, याद रखेगा, मजमा उल बहरेन जो है वो मुग़ल प्रिंस दारा शिको से एसोसिएटेड है और उसी को रिलीज़ किया गया है। किसने रिलीज़ किया है, इसको रिलीज़ किया है आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना, तो मजमा उल बहरेन आप याद रखिएगा नाम, एंड किसने इसको रिलीज़ किया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है, एंड इट इज़ अ बुक बाय दारा शिको, दारा शिको के द्वारा लिखी गई किताब है। दारा शिको मुगल एम्परर था, शाहजहां का बेटा था, एंड औरंगजेब के साथ इसने बहुत सारे वॉर भी लड़े, है ना, याद रखिएगा, वॉर भी लड़े औरंगज़ेब के साथ, एंड उसमें पराजित ज़रूर हुआ और फाइनली फिर आपको पता होगा कि औरंगज़ेब जो था वो बैटल जीता और उसके बाद उसने जो भी मुग़ल एम्पायर था उसको अपने वश में किया। एक इनके बीच का एक बैटल है, आप लोग को अगर पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, समूगढ़ का बैटल, देयर इज़ अ वेरी फेमस बैटल, द बैटल ऑफ समूगढ़, SAMUGARH, ठीक है ना, तो ये बैटल ऑफ
जूनागढ़ जो था वो आगरा के पास लड़ा गया था एंड औरंगजेब ने इसमें दारा शिकोह को हराया था, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और बैटल था, बैटल ऑफ धर्मत, यू ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस, धर्मत, बैटल ऑफ धर्मत, DHARMAT, है ना। तो दो बैटल्स याद रखिएगा, बैटल ऑफ समूगढ़ एंड बैटल ऑफ धर्मत। और बैटल ऑफ समूगढ़ आई थिंक 1658 में हुआ था, 1658 में बैटल ऑफ समूगढ़ हुआ था, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। वैसे ये दोनों ही सही हैं, ठीक है ना, धर्मत एंड समूगढ़ का बैटल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि दारा शिकोह को डेजिग्नेट किया गया था पादशाहज़ादा बुज़ुर्ग मरतबा, प्रिंस ऑफ हाई रैंक, पादशाहज़ादा बुज़ुर्ग मरतबा बोलते थे इसको, एंड ही वॉज़ वेरी फेमस अमंग द मुगल एम्परर्स। एंड इसके अलावा शाहजहाँ के डेथ के बाद फाइनली उसने एम्पायर होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली औरंगज़ेब ने उसको नहीं करने दिया। एंड इसके अलावा दारा शिकोह वॉज अ वेरी लिबरल माइंडेड अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। इसके अलावा ही ऑथर्ड मजमा उल बहरेन, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, मजमा उल बहरेन को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, जिसमें उन्होंने हारमनी बताई है सूफी फिलोसफी इस्लाम एंड वेदांता फिलोसफी ऑफ हिंदुज़म के बारे में, कि किस तरीके से सूफीज़म और जो वेदांता फिलोसफी है हिंदुज़म की वो कैसे एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं। इसके अलावा दारा शिकोह वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग उपनिषद्स अवेलेबल टू द वेस्ट एज ही हैड देम ट्रांसलेटेड, उसने उपनिषद को ट्रांसलेट भी किया था और वेस्ट को अवेलेबिलिटी दी थी इन उपनिषद की। तो काफी इंपॉर्टेंट काम है जो कि किए थे दारा शिकोह ने। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, है ना, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड द इम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट, कौन सा मुगल एम्परर था जिसने कि इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट से फोकस जो है वो एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की तरफ शिफ्ट किया था। ऑप्शन आपके सामने हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है सी, जहांगीर। याद रखिए जहांगीर था जिसने कि इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स और एल्बम्स बनाने की तरफ ध्यान दिया था। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट है, I hope you got clarity. आगे मूव करते हैं, फ्रंट पेज की सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन रिसर्चेस टू 7% एज फूड प्राइजेस माउंट। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द फूड प्राइजेस। इन्फ्लेशन के थोड़े मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ, इन्फ्लेशन दो मेन टाइप के होते हैं, एक होता है कोर इन्फ्लेशन, दूसरा होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो जो कोर इन्फ्लेशन होता है याद रखिएगा, वो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, जिसमें आप उन चीज़ों को, गुड्स और कमोडिटीज़ को लेते हो, उन सर्विसेज को लेते हो जो कि आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आते हैं, माइनस आप इसमें कौन सी चीज़ नहीं लेते हो, आप इसमें फूड प्राइजेस नहीं लेते हो और उसमें फ्यूल प्राइजेस भी नहीं लेते हो। तो कोर इन्फ्लेशन में आप ना फूड प्राइस लेते हो ना फ्यूल प्राइस लेते हो, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल होते हैं। वही इन्फ्लेशन जब हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है तो आप उस इकॉनमी में सारे गुड्स कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज लेते हो, इंक्लूडिंग फ्यूल प्लस इंक्लूडिंग योर फूड, है ना, फूड प्लस फ्यूल दोनों इंक्लूड कर दो तो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन बनता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दीज टू फैक्ट्स बेसिकली, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो हम आएंगे अब एडिटोरियल वाले पार्ट में, लेट्स कम टू द एडिटोरियल पार्ट। आज जो पहला एडिटोरियल हम डिटरमाइन डिस्कस करेंगे वह है, इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स वे इन द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पे ऑथर का कहना है कि इंडिया जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनको पता था कि इंटरनेशनल लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत भी है, इसलिए आर्टिकल 51 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा था कि स्टेट शैल फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। आर्टिकल 51 अगर आप लोग को पता हो तो आर्टिकल 51 में हमने कहा है कि स्टेट शैल फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज़। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के टाइम में इट वाज मेड अबंडेंटली क्लियर दैट द इमर्जेंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैज़ ट्रांसम्यूटेड द जियोग्राफी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मतलब कि ऑलरेडी क्लियर हो गया था कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके बाद ऑथर ने एग्जांपल दे कि इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था उस टाइम पे, याद हो अगर आपको इंटरनेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसका यूज़ करके इंडिया की ही मदद से जो फर्स्ट एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंडंग में, 1955 कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, वो इंडिया ने ही ऑर्गेनाइज करवाई थी एंड इंडिया वॉज अ वेरी की प्लेयर इन दैट। तो ये सब यही रीज़न है कि हमने इंटरनेशनल लॉ को तवज्जो दी, जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको तवज्जो दी, उसको स्टडी किया, उस पर उसको समझा, उसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनाइज करवाया। तो ऑथर ने वही कहा कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे अगर हम
इंटरनेशनल लॉ को स्टडी करें और इंटरनेशनल लॉ की मदद लें, तो हम काफ़ी सिंपैथी भी गेन कर सकते हैं इंटरनेशनली, और दूसरा हम अपने एक्शंस को लॉजिक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी इंडिया के अगेंस्ट ऑथर ने आप एग्जांपल दिया है कि भैया इंडिया के अगेंस्ट चाइना ने इंटरफेरेंस किया और हमारे रीजन्स में घुस गया, ठीक है ना। और इसके अलावा पाकिस्तान हमारे कई बार हमारे रीजन्स में घुस चुका है, और तो ऑथर ने कहा कि जब इंटरनेशनल लॉज की हमें ना जानकारी है ना इंटरनेशनल लॉज को हम स्टडी करते हैं, तो हम बहुत ही जनरलिस्ट डिप्लोमैट्स वाले आंसर देते हैं। व्हाट वी डू इज गिव वेरी जनरलिस्टिक आंसर्स, वी गिव वेरी जनरलिस्टिक कमेंट्स एंड कोट्स, है ना। तो वही होता रहेगा कि जनरलिस्टिक कमेंट कोट से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू यूज दैट इंटरनेशनल वोकैबुलरी, यू हैव टू यूज दैट इंटरनेशनल लॉ वोकैबुलरी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सही बात भी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ऑथर ने कहा कि द फेलियर ऑफ इंडिया टू यूज़ द इंटरनेशनल लॉ वोकैबुलरी टू कॉल आउट चाइनीज ट्रांसग्रेशंस ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी, हमने इंटरनेशनल वोकैबुलरी तब भी यूज़ नहीं की जब चाइना ने ट्रांसग्रेशंस की और इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक किया, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा कि भैया हमको ये जो हमारी इंटरनेशनल लॉ वोकैबुलरी है, वी विल हैव टू यूज़ दैट वोकैबुलरी, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ किया कि सिमिलर एग्जाम्पल पाकिस्तान वाला दिया कि पाकिस्तान हमारे यहाँ कई बार ऐसा किया है, इंडिया के अगेंस्ट एक्ट किया है, सीज फायर वायोलेशंस किया है, जो भी है, लेकिन फिर भी हम वही है कि वोकैबुलरी यूज़ नहीं करते, तो हम जनरलिस्टिक कोट्स कमेंट्स कर देते हैं। कई बार हम कहते भी हैं पाकिस्तान को गलत गलत, लेकिन उसके बाद भी हम उसमें वो चीज़ें नहीं यूज़ कर पाते हैं जो कि इंटरनेशनल लॉज में लिखी हुई हैं, ठीक है ना। वी आर फेलिंग टू मैंशन द इंटरनेशनल लॉज इन दैट। अब अगर आप इंटरनेशनल लॉज फेल करोगे मैंशन करने में, तो एवरीवन विल थिंक दैट यू आर जस्ट हार्पिंग अपॉन योर राइवलरी, आप अपनी राइवलरी ही दिखा रहे हो। अदरवाइज इंटरनेशनल लॉज अगर आप यूज़ करो तो डेफिनेटली दैट विल गिव अ मच मोर एम्फेसिस ऑन दैट, है ना। तो ऑथर ने ये चीज़ ये बताई है, ठीक है ना। इसके अलावा होता है ना, जैसे कि उन्होंने हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन से हटा दिया था, नहीं दिया था, डिनायल ऑफ पाकिस्तान फॉर द मोस्ट फेवर्ड नेशन, तो इंडिया ने वो भी फेल कर दिया, उसको भी कोट नहीं कर पाए। इसके अलावा हम वहाँ पे भी उनको मतलब टारगेट नहीं कर पाए। तो ऑथर ने भी कहा कि WTO के लॉ है, ये सब इंटरनेशनल लॉज हैं, आप इनको कोट करिए, कमेंट करिए, और अपने प्रति अपने लिए वोट आप बढ़ाइए, यू हैव टू इंक्रीज वोट्स फॉर यू, है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि देखो इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा है, क्यों हम नहीं कर पाते। तो ऑथर ने कहा सबसे पहले कि हमारे यहाँ जो डिप्लोमैट्स हैं दे आर वेरी जनरलिस्टिक डिप्लोमैट्स, ठीक है ना, हमारे यहाँ बहुत जनरलिस्ट डिप्लोमैट है, दे आर नॉट स्पेशलिस्ट। केवल MEA का एक सेक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक सेक्शन है जो कि इंटरनेशनल लॉ एंड लीगल ट्रीटीज़ को देखता है, उसका नाम है लीगल एंड ट्रीटीज़ डिवीज़न, लीगल एंड ट्रीटीज़ डिवीज़न, LNT डिवीज़न। तो लीगल एंड ट्रीटीज़ डिवीज़न में ऑथर ने कहा कि बहुत सारा अंडर स्टाफ्ड है ये लीगल एंड ट्रीटीज़ डिवीज़न, इज़ वेरी अंडर स्टाफ्ड, और इस कारण से हमारे पास जो स्पेशलिस्ट है लॉ एंड लीगल एंड ट्रीटी डिवीज़न के, वो स्टाफ हमारे पास प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ऑथर ने सबसे पहले कहा कि ये प्रॉब्लम देखी गई और पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट भी 2016 में आई जिसने रिकमेंड किया कि एक डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बनना चाहिए, ठीक है ना, एक डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बनना चाहिए, ऐसा पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2016 में ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, ठीक है ना। एंड लॉ मिनिस्टर के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बनना चाहिए, लेकिन इसके प्रति कुछ भी काम नहीं किए गए, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इसके अलावा ऑथर ने कहा एकेडमिकली भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लॉ एक निगलेक्टेड डिसिप्लिन रहा है फॉर द लास्ट 75 ईयर्स। एकेडमिकली भी इंटरनेशनल लॉ जो रहा है वो एक निगलेक्टेड सब्जेक्ट रहा है। ऑथर ने कहा कि देखो इंटरनेशनल रिलेशन जरूर हमने पढ़े हैं, इंटरनेशनल रिलेशन हम जरूर पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं। कई प्रोफेसर्स हैं जिनको हम अगर प्रमोट करते हैं, हम उनको पढ़ते, तो डेफिनेटली वी वुड हैव डन मच बेटर इन दैट। इसके अलावा ऑथर ने एग्जांपल दे कि इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ इस्टेब्लिश की गई थी 1959 में, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ इस्टेब्लिश की गई थी 1959 में, इट वॉज सपोज टू बिकम अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल लॉ। ये माना गया था कि ये जो इंस्टीट्यूट है इंडियन सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल लॉ, ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा फॉर द रिसर्च इन इंटरनेशनल लॉ, लेकिन इसने फेल किया है, रिसर्च का काम तो इसने बिल्कुल नहीं किया है। इसका जो फ्लैगशिप जर्नल भी अगर आप देखें, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो बिल्कुल क्लोज नहीं है फ्रॉम द टॉप इंटरनेशनल लॉ जर्नल्स। तो वर्ल्ड के अगर आप टॉप इंटरनेशनल लॉ जर्नल्स देखेंगे, उनके आसपास भी नहीं भटकता है ये।
तो वही ऑथर ने कहा कि हमको एकेडमिकली रिसर्च हमको बढ़ानी पड़ेगी, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात कही गई थी वो हमको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। जर्नलिस्ट डिप्लोमेट्स की जगह अब हमको स्पेशलिस्ट लाने पड़ेंगे जो लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी डिवीज़न के एक्सपर्ट्स हों। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हम करेंगे तब जा कर के कहीं हमारा जो इंटरनेशनली हमारा जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो हमारे वोकैबलरी है, वो इन्हेंस होगी, वो इम्प्रूव होगी। दैट इज़ वॉट हैज़ बिन मैंशनड बाई दी ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ग्रेट G20 पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये आर्टिकल वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये है कि आप समझ लीजिए कि SCO का जो सबमिट है वो भी इंडिया में होगा 2023 में, है ना। वी विल बी होल्डिंग द चेयरमैनशिप ऑफ SCO ग्रुप, है ना। एंड इसके अलावा G20 की भी हमको मिलने वाली है, तो G20 और SCO दोनों ही हमको हम होल्ड करने वाले हैं, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और ऑथर ने वही बताया कि ठीक है ना, और इसके अलावा इट विल ऑल्सो प्रिसाइड एज द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर दिसंबर 2022। तो इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा अब लीडरशिप करने वाला है कई चीज़ों में। तो ऑथर ने वही कहा कि इंडिया के पास एक एडवांटेज है कि हम जो एजेंडा है वो सेट करें, और एजेंडा इस तरीके से सेट करें कि हम ग्लोबल जो इशूज़ हैं उनको तवज्जो तो दे पाएँ, प्लस अपने जो व्यू पॉइंट है उनको भी रख पाएँ, है ना। तो की पिलर्स जैसे हो गया ग्लोबल हेल्थ हो गया, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इन सब के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा एजेंडा सेट कर सकते हैं। प्लस कई कंट्रीज़ हैं जैसे कि UK, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इनके साथ हम डिस्कस करके अपना जो ट्रेड एग्रीमेंट बनाना चाहते थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो उनके प्रति भी हम थोड़ा बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑथर ने यहाँ पे कही हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स पिटीशन लिंकिंग पॉर्नोग्राफी टू सेक्स क्राइम्स। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गया था जिसमें कहा गया कि भैया जो पॉर्नोग्राफी है, मतलब कि जो लोग पॉर्न देखते हैं, दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द सेक्स क्राइम्स। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हमने एक बार ऐसा कह दिया तो इट विल गिव द फ्री हैंड टू द गवर्नमेंट फॉर ऑनलाइन सर्वेलेंस। तो एक तरीके से ऑनलाइन सर्वेलेंस का फिर से फ्री मिल जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति पॉर्न देखता है तो ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति सेक्स क्राइम से एसोसिएटेड है, जिसकी कोई स्टडी प्रॉपर नहीं हुई। बहुत ही नॉन टेक्निकल चीज़ है ये जो कि कही जा रही है, ऐसा ऑथर ने कहा कि इट इज़ वेरी नॉन टेक्निकल टू से समथिंग लाइक दिस, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। इसके अलावा एक और जस्टिस कैनेडी ने बहुत अच्छी चीज़ बोली, वी कैन नॉट सेट द हाउस ऑन फायर टू रोस्ट द पिग। अगर आपको पिग को रोस्ट करना है तो यू विल नॉट सेट द हाउस ऑन फायर, है ना, तो आप दूसरे तरीके से देखेंगे, यू विल नॉट बर्न द इंटायर हाउस। तो दिस वॉज अगेन अ कोट विच वॉज देयर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। IAEA के साथ कोऑपरेट करने के लिए ईरान तैयार हो गया है। IAEA याद रखिएगा वर्ल्ड का न्यूक्लियर फील्ड से संबंधित है, एटॉमिक एनर्जी से संबंधित है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन बोलते हैं इसको। इसको बनाया गया था, इस जब ये बनाया गया था 1957 में 29 जुलाई के आसपास इसको बनाया गया था, और तब इसका नाम था एटम्स फॉर पीस। याद रखिएगा इसका नाम था एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत इसको बनाया गया है। और एजेंसी वर्क्स विद द मेंबर स्टेट्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स टू प्रमोट द सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो इसको बनाया गया है फॉर द पीसफुल, सेफ एंड सिक्योर यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और याद रखिएगा ये जो IAEA है इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो आपका वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर, ये आप याद रखिएगा, दैट इज़ अ थिंग विच यू कैन रिमेम्बर, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है थोड़ा सा ड्रॉप कर गया है, तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो लिख लीजिए। फॉरेक्स रिजर्व में आता है आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब कि फॉरेन करेंसी मतलब कि डॉलर कितना आपके अंदर, देन गोल्ड रिजर्व्स आते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये याद रखिएगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स आपके पास होते हैं, तो वो रहते हैं, देन रिजर्व ट्रांसपोजिशन, जिसको IMF में हम बोलते हैं। तो ये चार चीज़ें तो रट के बैठ जाओ, फॉरेन करेंसी, गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्राइंग राइट एंड रिवर्स ट्रांच, है ना, ये आप चार चीज़ें याद रखना है ना, दैट इज़ अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर। ठीक है,
अब आपको एक मैप दिखाना था जिसमें मैं आपको नॉर्थ से साउथ तक कुछ कुछ चीज़ें दिखा दूँ, हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। सबसे पहले आपका देखो यहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट वन लिखा हुआ है जो कि काराकोरम पास पे है, तो पेट्रोलिंग पॉइंट वन आपका काराकोरम पास पे, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आपको दौलत बेग ओल्डी रोड दिख रही होगी, ठीक है ना, दौलत बेग ओल्डी रोड। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा नीचे, फिर आप आएंगे तो यहाँ पे गलवन वैली जो कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे है, याद रखिए गलवन वैली आपका पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे है। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग घोघरा हॉट स्प्रिंग जो है वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, तो ये गलवन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है ऊपर है, और घोघरा जो है वो हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, ठीक है ना। इसके अलावा नीचे जब आप और आएंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्थ बैंक पेंगोंग का, ये नॉर्थ बैंक दिखेगा, फिर आपका साउथ बैंक दिखेगा पेंगोंग सो का, तो ये नॉर्थ टू साउथ आप थोड़ा सा एक ऑर्डर याद रख सकते हैं जो कि आपसे अगर यूपीसी ने पूछा तो आप उसके लिए तैयार रहें। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।